नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में आप एक बार फिर आपका स्वागत है। फैमिली शो में हम आपको हर बार मिलवाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में काम उल्लेखनीय काम कर रही हस्तियों से। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये उम्र में बहुत छोटी है लेकिन बेहद टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। आज हमारे साथ है सार्जेंट वैष्णवी सक्सेना। वैष्णवी के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने हाल ही में एनसीसी में बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीता है। साथ में ये लेखन भी करती हैं, लिखने का शौक है इन्हें, ये वंडर किड भी रह चुकी है और भी बहुत सारी इनमें खूबियां हैं। तो हम खास मुलाकात करेंगे वैष्णवी से और जानेंगे उनसे उन्हीं की खूबियों के बारे में। वैष्णवी, पहले सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप एनसीसी में, आपको यकीन था कि जो अवार्ड है इस बार आप ही को मिलेगा? देखिए, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ये नहीं सोचा था मैंने कि उसमें मुझे वो अवार्ड मिलेगा या इस उपलब्धि तक मैं पहुँचूंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरा कैंप्स और ट्रेनिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं इस मुकाम तक पहुँची कि हाँ, मैं अब इसके काबिल हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ, इस साल मुझे मिलेगा। क्या खास तैयारियां करनी पड़े, कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी होती है आपकी, किस तरह की तैयारियां आप करते हैं इसके लिए? बिल्कुल, एनसीसी ट्रेनिंग पूरे जैसे कैंप्स होते हैं जिसमें मैं बहुत सारे कैंप में गई, 4 से 5 कैंप में गई। उसमें से एक नेशनल कैंप था, थल सैनिक कैंप, ऑल इंडिया टीएससी कैंप 2018, उसमें मैं गई थी। उसमें हमें पूरे 10 दिन वहाँ पे वो आर्मी लाइफ जो होती है असली में, जो हमारे नौजवान और जो हमारे जवान बॉर्डर पे रह के जो लाइफ जीते हैं, वो सुबह से रात तक हमें वैसी मिलती है जीने को। उसमें सुबह 5 बजे उठना, फिर योगा के लिए जाना, फिर ड्रिल में जाना, दोपहर तक बिल्कुल मेहनत करना, फिर शाम को आके जो कल्चरल एक्टिविटीज में जो मजा आते हैं, और फिर रात को बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया पूरे दिन में। तो वो हार्डवर्क, वो पूरी मेहनत धीरे धीरे करके ऐसे ही रंग लाती है। तो वैष्णवी, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि एनसीसी ज्वाइन करनी है? एनसीसी ज्वाइन करनी है, इसकी इंस्पिरेशन भी मुझे अपनी हर चीज की इंस्पिरेशन अपने फादर से मिली। तो वो भी एनसीसी में रहे हैं, उन्होंने भी ये सारे कैंप किए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो इंस्पिरेशन मुझे मेरे फादर से ही मिली। आपके पापा तो बहुत कैमरा शाय है और आप इतना अच्छे से बोलते हैं कैमरे में, बहुत फर्क है दोनों में, ऐसा क्यों? थोड़े कम जो पापा में नहीं है वो मुझ में आ गए। अच्छा, आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या, क्या बनना चाहते हैं बड़े हो के? अपने एनसीसी ज्वाइन किए तो क्या आर्मी डिफेंस सर्विस ज्वाइन? बिल्कुल, मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। जो मेरे पापा ने एक सपना देखा था उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। पापा का ड्रीम है? बिल्कुल, पापा भी खुद पायलट रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी जिस तरह वो पायलट रहे वैसे मैं अपने देश को सर्व करूं। हम इसी देश में हमने पैदा हुए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपने देश को वापस देना चाहिए। अब मेरा ड्रीम है पायलट बनने का और देश को सर्व करना है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो फाइटर पायलट बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन वैष्णवी, जिस तरह से जो आपकी सोच है, आजकल के जो बच्चे हैं उनका तो ये रहता है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, अब्रॉड जाएंगे, वहाँ अच्छा पैकेज मिलेगा, पैसा कमाएंगे, आपने नहीं सोचा इस तरह का? मतलब पैसा तो सेकेंडरी चीज़ आ जाती है मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरे फादर मदर पेरेंट्स ने मुझे जिस हिसाब से ब्रॉटअप किया उसमें मेरे को यही सिखाया है कि पैसा सेकेंडरी चीज़ है, बाकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए वो होती है आपकी पर्सनालिटी, आपका ओहदा आप कहाँ हो। ऐसा नहीं आप किसी अमीर जने को देख के ये नहीं सोचते कि वो अमीर है, पर अगर कोई अच्छे ओहदे का जना देखो तो वो अलग से दिखता है। तो मेरे लिए पर्सनैलिटी गेन करना बड़े हो के वही सबसे मेन चीज़ है। और हम सब थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं, मतलब 12th तक हम सब कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, फिर सब लोग आजकल इंजीनियरिंग IIT सब करते हैं, पर वो जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे कन्वर्ट की जाए वो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, तो मैं वही उस पर ही काम कर रही हूँ। तो अभी आप कौन सी क्लास में? मैं अभी 11th में आई हूँ। 11th के सब्जेक्ट्स क्या है आपके? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो पढ़ाई के लिए भी आपको काफी टाइम डिवोट करना होता है, 11th क्लास में काफी टफ, और साथ में NCC, दोनों चीजें किस तरह से मैनेज करती हैं? देखिए, दिन तो 24/7 सबके पास उतना ही है, उसे किस हिसाब से मैनेज करके किस हिसाब से अपने बेस्ट आउटपुट उसको यूज में, मतलब यूटिलाइज किया जाए, वो आर्ट है। तो वो आर्ट हमें खुद को ही अपने अंदर से, अगर हमें किसी चीज को करना होता है तो वो टाइम निकल ही जाता है, उसके लिए हमें निकालना नहीं पड़ता। अब मुझे NCC करनी है, मुझे कैंप करने हैं, मुझे इस चीज के लिए फाइट करना है, तो उसके लिए वो 24/7 में से बहुत बड़ा पार्ट निकल ही जाएगा, उसे निकालना नहीं पड़ता। तो वैष्णवी, सार्जेंट वैष्णवी बने हुए उनको कितना टाइम हो गया और कब से अपने एनसीसी ज्वाइन किया है? ये बेसिकली जूनियर विंग कोर्स 2 साल का होता है, मैंने ये 10th में ज्वाइन किया था, 9th और 10th ही मेरे 2 साल रहे और मैं 10th में सार्जेंट बनी।
ओके तो फिर पापा आपके प्राउड फील करते हैं सारा, तो मम्मी की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिलता है उन सब चीजों के अंदर? देखा जाए पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल चीजें कर रहे हैं, देखा जाए तो मम्मी का पूरा बैकबोन सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, चाहे वो एनसीसी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जैसे मैं स्विमिंग और अदर स्पोर्ट्स में भी रही हूँ, कुछ भी हो, उसमें जो प्योर सपोर्ट होता है बैकबोन, कि अगर कुछ चीज करनी है तो उसके पीछे की जो सपोर्ट मेरे साथ हमेशा है कि हाँ अगर कुछ नहीं तो मेरे साथ मेरी मम्मी हमेशा है, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज मैं यहाँ हूँ, मैंने इतना कुछ अचीव करा है और आगे भी कर पाऊंगी। आपने काफी सारी परेड वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया होगा, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाल ही में जो 26 जनवरी की परेड हुई थी, स्टेट परेड जो SMS में हुई, उसमें मैंने अपना स्कूल ट्रूप कमांड किया था जिसमें गवर्नर को हमने सल्यूट दिया था। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि आप सल्यूट कर रहे हो गवर्नर को एक NCC यूनिफॉर्म में, वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मिल रहा। RD का जो भी NCC जो बच्चा ज्वाइन करता है RD कैंप में जाने का उसका ड्रीम होता है। RD कैंप ये बेसिकली दो तरह के कैंप होते हैं, दो मेन नेशनल कैंप जो NCC होते हैं, TSC और RDC, जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है वो उसमें जाता है। मेरा इंटरेस्ट दोनों में ही था, पर बेसिकली जो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट है वो शूटिंग की तरफ आ जाता है, तो ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप बेसिकली शूटिंग पे फोकस करता है। तो मैंने और मेरे जो जितने भी मेंटर्स वगैरह उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया तो कि मुझे TSC में जाना चाहिए, तो मैंने इसलिए मैं TSC में गई। वहाँ पे 4-5 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम दिल्ली आर्मी कैंप में जहाँ होते हैं वहाँ पे हमारे फायरिंग कॉम्पिटिशन, अदर कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो उनमें मैंने सब में बहुत अच्छे से पार्ट लिया और वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल भी जीता। तो शूटिंग का जो इंटरेस्ट है आपका, जो क्रेज है, वो कैसे पैदा हुआ? शुरू से था आपको? वैसे तो अभी बहुत छोटी है तो कह नहीं सकती कि बचपन से ही था। नहीं सच बताऊं तो मेरे को बचपन में पता भी नहीं था शूटिंग होती भी है, ऐसा कोई स्पोर्ट भी है। बट ग्रेजुअली जब मैंने देखा, अखबार में देखा कि हमारी स्कूल की जो चंडेला जीरा है वो हमारे स्कूल के जो अभी इंटरनेशनल शूटर हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे ऐसा मेरे को क्लिक हुआ कि अच्छा शूटिंग भी एक स्पोर्ट है, तो क्यों ना उसमें भी इंजॉयमेंट के लिए ट्राई किया जाए। तो इनिशियली मैंने ये स्पोर्ट सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ज्वाइन किया था, बट कैसे ग्रेजुअली वो एक मेरा पैशन बनता गया और कैसे ग्रेजुअली उसमें अचीवमेंट होते गए वो पता ही नहीं चला। तो आप जो शूटिंग की ट्रेनिंग ले रही है वो कहाँ पर ले रही है? मैं अपनी शूटिंग की ट्रेनिंग राजा पार्क में, मेरे कोच हैं सर गजेंद्र सर, उनसे मैं कोचिंग ले रही हूँ। कितना टाइम हो गया आपको शूटिंग करते हुए? अप्रॉक्स 2 इयर्स। 2 इयर्स आप कर रहे हैं, तो काफी सारे टूर्नामेंट्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, उनके बारे में बताएं थोड़ा। जैसे शूटिंग का एक तरीका है डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट्स और फिर नेशनल्स, तो इन सब में मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी कई टूर्नामेंट होते हैं, बाकी ओपन नेशनल मैंने भी लास्ट ईयर गोल्ड मेडल भी जीता और बाकी इन टूर्नामेंट में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब आगे का क्या सीना, क्या सोचा शूटिंग में और आगे क्या करने वाले हैं? अभी 2 साल तो वैसे पढ़ाई को देने का सोचा है, बाकी किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, ये मेरे एक बहुत बड़ा मोटो है कि अगर किसी चीज को स्टार्ट कर ही दिया है तो उसे एट द लास्ट तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ाई एक अभी नई चीज 11th-12th रहेगी, फिर उसके साथ में शूटिंग को भी टाइम देना चाहती हूँ। वैष्णवी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे और बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी वैष्णवी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पतिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं वैष्णवी से। तो वैष्णवी आपने ब्रेक से पहले आपने बताया था इतने साल हो गए आपको NCC में, तो NCC के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, काफी सारी आपकी लर्निंग रही होगी, आपके मेंटर कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। NCC की स्टार्टिंग मेरी 8th class से हो गई थी, 9th में हम ऑफिशियली रजिस्टर होते हैं, मेरी 8th से मैंने NCC ज्वाइन कर लिया था मेरे स्कूल में। धीरे धीरे मुझे NCC, पहले मुझे सही बताऊं सिर्फ यूनिफॉर्म अच्छी लगती थी, फिर कैसे मेरे को NCC की परेड, NCC के कमांड, इन सब में इंटरेस्ट आने लगा मुझे पता ही नहीं चला। इसकी असली वजह हमारी जो मेरी मैम है वो है चीफ ऑफिसर अंजलि शर्मा, जो मेरे को, जो मेरी पूरी बैकबोन है, मेरी पूरी सपोर्ट है, होल सोल। अगर NCC को A to Z तक कोई डिफाइन कर सकता है तो मेरी मिस अंजलि हैं। तो उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी कि हमेशा, क्योंकि NCC में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आपको लगता है चैलेंज ज़्यादा बड़े हो गए और आप उन्हें उस लेवल तक मैच नहीं कर पा रहे हो, तो मिस अंजलि हमेशा मेरे साथ रही कि वो हमेशा मेरे साथ एक मेरा सपोर्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ है और कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, NCC में कुछ गलत है ही नहीं, सब इतनी इजीली है, 3 साल कब निकल गया पता भी नहीं चला, काफी कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल बहुत। अब मुझे थोड़ा सा ये, तो अभी सारी NCC की सारी हमने बातें की, शूटिंग की हमने बातें की, अब वंडर किट भी रह चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
थोड़ा उसके बारे में बताइए क्या क्या चीजें थी, क्योंकि आपका मैं मुझे याद है कि मैंने बहुत छोटे थे आप उस वक्त, और उस वक्त मैंने आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था न्यूज़पेपर के लिए। अब बताइए थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं जब 2 साल की थी, इतने अच्छे से तो मुझे याद नहीं, हाँ। पर हाँ जितनी मेमोरी मेरे पास अभी भी है, मैं 2 साल की थी तो मेरे पास जो न्यूज कटिंग्स हैं उसमें मैं अभी भी देख सकती हूँ। जब मैं 2 साल की थी, आप मेरे सामने मैप रख दो और कोई भी कंट्री बोलो, हाँ। तो मैं वो कंट्री, मैं नहीं बोल पाती थी कि ये कंट्री ये है, लेकिन आप वो कंट्री बोलोगे तो मैं उसमें लोकेट कर सकती हूँ कि ये कंट्री यहाँ है। पूरे वर्ल्ड मैप में कोई भी कंट्री कहीं से भी, तो वो मेरे को भी आज तक लगता है वो टैलेंट मेरे में ही था या नहीं था। तो ऐसे मैं वंडर किड बनी और उसमें पूरे इंडिया में ऐसा अभी तक शायद कोई नहीं कर पाया है, तो वो सारी कंट्रीज को लोकेट कर पाना आज मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, आपको लिखने का शौक भी है? दरअसल स्टार्टिंग को ऐसे लिखने के शौक से नहीं हुई, मैं हमेशा, मेरी आदत थी कि जो भी मेरे साथ दिन में हुआ या कोई भी मेरी ऐसी फीलिंग्स है उसे मैं अपनी पेन और पेपर में शेयर करती थी। कब वो छोटे 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 शब्द एक फ्रेम बन गए फोटोग्राफ के मुझे पता नहीं चल पाया। वैसे फीलिंग्स तो हम सबके अंदर होती है, बस फर्क इतना होता है हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और राइटर्स वही करते हैं, हाँ। कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को पब्लिक के साथ कन्वे कर सके, किस हिसाब से उसे ढाल के एक पूरी फोटो फ्रेम बना सके। और वही धीरे धीरे मैंने शुरुआत एक छोटा सा अपना राइटअप दिया था, उसमें वो इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन में मेरी सेलेक्ट हुई थी और फिर वो जीत भी गई, तो तब से मुझ में थोड़ा सा लगा कि ठीक है मैं राइटिंग भी ट्राई कर सकती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे और थोड़ा लिखना शुरू किया, फिर मुझे नहीं पता चला कब मेरी एक कलेक्शन में से एक पोयम JLF में, जयपुर लिटरेचर फेस्ट 2017 में वो सेलेक्ट हुई, और मेरे को वहाँ पे एज अ स्पीकर मेरी पोयम लॉन्च कराने का मौका मिला, जो कि बाल भवन से छोटे हाथ बड़ी बात में लॉन्च हुई थी। तो मैं हमेशा से JLF अटेंड करती थी बट एज अ ऑडियंस, और इससे और उस टाइम मुझे एज अ स्पीकर चांस मिला, तो बिल्कुल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे ऑडियंस आपकी पोयम पे सवाल पूछती है, आप उसे जवाब देते हो, और सबसे ज्यादा मजा उस बात में आता है आपने जो चीज खुद लिखी उसको लोग तब प्रेस करते हैं, उसके बाद लगता है कि वाह आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैष्णवी, आपको पोयम लिखने का शौक है, तो मैं चाह रही हूं हमारे दर्शकों को कोई भी पोयम जो आपको पसंद अपनी। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ पोयम एक फीलिंग को कन्वे करने का तरीका है, तो मेरा बहुत ज्यादा प्यार एनवायरमेंट और इन सब के तरफ है, तो मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी थी मौसम करके, जो कुछ इस प्रकार है। बच्चों, मौसम का मानव से बहुत पास का नाता है, नहीं नचा सकते मौसम को, मौसम हमें नचाता है। रूप ढंग हमारा कैसा होगा ये मौसम तय करता है, नहीं नचा सकते मौसम को, मौसम हमें नचाता है। वाह, बहुत अच्छी कविता है वैष्णवी। हिंदी पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, मैं देख रही हूँ, जो जनरली आजकल के बच्चों में नहीं होती। बिल्कुल, हिंदी तो मुझे ऐसा लगता है हमारी टंग लैंग्वेज है, हम उसे कैसे हटा सकते हैं या सेकेंडरी कर सकते हैं। इंग्लिश जानना, इंग्लिश को अच्छे से बोल पाना एक हमारा तरीका, हाँ। है कि ठीक है आजकल इंग्लिश का चलन है, उसे चलाना चाहिए, लेकिन भारत में रहते हुए, भारतवासी होते हुए आपको हिंदी बोलनी नहीं आती, ये तो कोई सही बात नहीं है। तो मेरे को हिंदी में वैसे ही बचपन से शौक था, मेरी ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा से हिंदी पढ़ाई है, तो वो हमेशा मुझे हिंदी इस प्रकार से पढ़ाती थी, लगता ही नहीं था मैं हिंदी पढ़ती थी। हिंदी के पेपर से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि ठीक है ये तो आता ही है सब, ये तो हमें जो बोलते हैं वो लिखना है। इंग्लिश में हाँ थोड़ी सी मेरे को डिफिकल्टीज रही, बट वो भी अब मेरा कमांड उसमें भी अच्छा होता है, पर वो मेरी ग्रैंड माँ की वजह से कि उन्होंने मुझे हमेशा से हिंदी में एक अच्छा कमांड दिया, एक अच्छी तरीका बताया कि हिंदी से डरना नहीं चाहिए, लोगों को नहीं आती तो क्या हुआ, हम तो अच्छा कर ही सकते हैं ना उसमें। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने अवार्ड जीता? बिल्कुल, जब मैं 10 साल की थी तब मैंने डिज्नी का एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है फ्रेंड्स फॉर चेंज ग्रीन प्रोजेक्ट करके, उसमें मैंने अपनी 10 साल की उम्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा इन्वायरमेंट, ग्रीनरी, नेचर इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट है, ये जेनेटिकल कहो या मेरा इंटरेस्ट कहो, तो मेरे को हमेशा से ग्रीनरी, नेचर, इन्वायरमेंट में बहुत इंटरेस्ट रहा। तो मैंने देखा कि जब मैं छोटी थी 10 साल की थी तब बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, कि पेड़ कम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी कम होती जा रही है, पेड़ की पॉपुलेशन बहुत ख़त्म होती जा रही है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपनी मम्मी से पूछा कि पेड़ की पॉपुलेशन कैसे ख़त्म होती है, हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया जब हम जैसे लोग पेड़ों की, घरों की जगह जो कि फॉरेस्ट है उसमें अपने घर बना लेंगे तो उनकी पॉपुलेशन, उन्हें कहाँ रहने को मिलेगा। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना उनको एक अलग से घर दिया जाए, मतलब उन्हें ही कहीं उगा दिया जाए। तो मैंने सोचा कि प्लांटेशन जो कि
बहुत अच्छा तरीका है इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का। तो ऐसे प्लांटेशन प्रोग्राम्स, और ऐसे मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया खुद से, जिसमें प्लांटेशन था, ग्रीनरी था, क्लीन अपने जयपुर को, क्योंकि उस टाइम कचरे का भी बहुत ज़्यादा हो गया था। खैर अब तो बहुत ज़्यादा इसमें स्वच्छ भारत अभियान इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा बहुत सही हुआ है। तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया और मुझे नहीं पता था उस प्रोजेक्ट को इतनी रिकग्निशन मिलेगी पूरे इंटरनेशनली। डिज्नी की तरफ से, डिज्नी अमेरिका की तरफ से इसको फ्रेंड्स फॉर चेंज ग्रीन प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया गया, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में शायद कुछ 3-4 लोग या 4-5 वे बहुत कम लोगों को ये अवार्ड मिला गया, और इंडिया से तो सिर्फ एक मैं ही थी। तो वहाँ से हमें $500 की वो भी मिले स्पॉन्सरशिप की, हम इसमें काम करें, हमारा जो इंटरेस्ट है और हमारा जो आइडिया है इसको हम प्रैक्टिकली अमल करें। तो मैंने ऐसे क्लीन ग्रीन जू ड्राइव वगैरह ये सब चलाई थी, प्लांटेशन, और कैसे प्लास्टिक के यूज़ को कम किया जाए। खैर अब तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, लोग प्लास्टिक को समझ रहे हैं कि प्लास्टिक खत्म नहीं होती, प्लास्टिक हमेशा अगर एक बार बनी है तो वो रहेगी रहेगी। अब लोग कपड़ों के बैग्स यूज करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है प्लास्टिक को कम करने का। ये सारी जो आपका इंटरेस्ट है, जो सारी भी आपने बात की, आपके मम्मी पापा दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से उनसे आप इंस्पायर है, उनसे ये सारी या बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हम जो चीज़ें सीखते हैं, हम जो चीज़ अपना माइंडसेट या अपने दिल दिमाग में लाते हैं, वो हमारे पेरेंट्स से ही कहीं ना कहीं मिलती है, या तो पेरेंट्स या फैमिली, और मेरे पेरेंट्स फैमिली दोनों ही इसके लिए काम करते हैं। तो ज़रूर सी बात है कि मुझे ये सब कहीं ना कहीं मेरे अंदर जेनेटिक्स मेरे खून में है ही। तो प्लांट्स, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, हमेशा मैं बचपन से इनसे घिरी हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि कब मैं खुद इस पे काम कर पाऊंगी। और इसके इसने जो डिज्नी प्रोजेक्ट था, इसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरा जो अंदर का है, उसे मैं खुद अपने हिसाब से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकूं। मेरे मदर फादर दोनों वाइल्ड लाइफर हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो मुझे हमेशा से उनकी गाइडेंस मेरे साथ रही और आगे भी रहेगी इन सवालों में। अच्छा, वैष्णवी की एक पोएम जो है लॉन्च हो चुकी है, नेक्स्ट पोएम की क्या तैयारियां हैं, कब आने वाली है? मुझे लगता है पोएम सोच के तो बनती है नहीं, ये तो सब एक फीलिंग, और हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, उस पर बन जाती है। तो जब बनेगी, जब कुछ अच्छा दिमाग सोचेगा, जब लिखेंगे, क्योंकि लिखते तो हम रोज ही हैं, कब वो लिखने की फोटो फ्रेम अच्छी बन जाए और दीवार पे टंग जाए उसका वेट है। फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे के बारे में क्या सोचा है, क्या और क्या करने वाले हैं अपने? जैसे कि मैंने बताया कि हम जिस कंट्री में रहे हैं उसे सर्व करें, तो सबसे बेस्ट चीज़ है, हम अपनी कंट्री को बेस्ट तरीके से दे पाएंगे। तो मैं फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में, और यही मेरा फ्यूचर ही है। वैष्णव, एक ब्रेक और ले लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि मम्मी से भी हम थोड़ी सी बात करें, उनसे भी आपके बारे में थोड़ी सी आपकी ऐसी कुछ ऐसी बातें जो रह गई हुई, कोशिश करूँ मम्मी से और जान सकता है। तो फैमिली शो में फिलहाल रखते हैं और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी वैष्णवी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे बातें का टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीरीट फैमिली शो और हम बात कर रहे थे वैष्णवी सक्सेना से। यहाँ वैष्णवी की मम्मी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो वैष्णवी के जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं, माँ का योगदान कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, तो उनसे भी हम थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। थैंक यू। आपकी डॉटर मल्टी टैलेंटेड मुझे कहना चाहिए है, अभी बेस्ट कैडेट का इनको अवार्ड मिला, आपको पता था ऐसा होगा आज या कल कभी ना कभी? उम्मीद एक्चुअली मेरे को तो बहुत ज़्यादा है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे, क्योंकि आज के जो हम लोग देख रहे हैं जनरेशन्स में, जो लड़कियाँ हैं जब पैदा होती हैं, तो हमारे घरों में एक शायद दुख का माहौल कहीं कहीं अभी भी होता है ये चीज़, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था। जब वैष्णवी का जन्म हुआ था, मुझे आज भी याद है, हमारे घर में इतनी ज़्यादा खुशियाँ थी, हम सब बहुत खुश थे, और जब धीरे धीरे करके जब इसको ये सब अचीवमेंट्स मिलते हैं, तो हम लोग सच में बहुत प्राउड फील करते हैं इसको। वी आर रियली वेरी प्राउड पेरेंट्स। इमोशनल हो गई आपकी, मुझे लग रहा है बस आंसू निकलने वाले हैं इनके आंखों से। अच्छा चलिए, ये तो प्राउड वाली बात तो है, बिल्कुल प्राउड फील करेंगे, लेकिन जो होता है ना घर में, हम जो देखते हैं ना कि बेटी की बॉन्डिंग जो होती है फादर से ज़्यादा होती है, आपके घर में क्या है? बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल पापा की बच्ची है, पापा पे गई है पूरी तरीके से, और इसका जो सपना भी है वो पापा जैसा ही बनने का है। और पर मुझे इसमें कभी भी इसमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ये पापा जैसी बने सच में। मदर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है आपस में, क्योंकि मम्मी पापा, मम्मी और बेटी में थोड़ी छोटी छोटी नोकझोंक तो जरूर होती है, आप लोगों के बीच में इस तरह का कुछ होता है? बहुत ज्यादा होती है हम लोगों में, और मैं इसको हर बात पे टोकती हूँ, मुझे यही कहती है आप इतना मुझे क्रिटिसाइज करते हो हर बात पे, इसकी छोटी छोटी गलतियों को मैं नोटिस करती हूँ, उसको बताती हूँ ऐसा नहीं करना है, पर कहीं ना कहीं वो रंग लाती है फिर।
वैष्णवी क्या कहेंगी मम्मी, क्यों टोका टाकी करती है? हाँ, जब वो टोकती हैं तब लगता है कि नहीं टोकना चाहिए, लेकिन जब वो उनकी कही हुई बात सच में लगती है कि अरे नहीं मम्मी ने सही बोली थी, तो तब लगता है कि हाँ मम्मी ने तो सही बोली थी, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन फिर भी जो मदर और चिल्ड्रन का जो रिलेशन होता है, खासकर माँ बेटी का, उसमें ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए, उससे और मजा आता है। स्कूल में अभी तो आप 11th क्लास में आ गए, जब छोटे थे तो होमवर्क कौन करवाता था, मम्मा करवाती थी या पापा करवाते थे? वैसे सच कहूँ मुझे याद नहीं ऐसे किसी ने मुझे होमवर्क करवाया हो, क्योंकि मैं हमेशा से खुद ही अपना होमवर्क करके जाती थी। हाँ, वो एक अलग बात है, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स में मम्मा पापा दोनों हेल्प करते थे, बट हाँ ज्यादातर मैं अपने होमवर्क खुद कर लेती थी। आपकी बेटी वाकई मुझे लगता है नहीं, सच में ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, उसके साथ जिस हिसाब से मैं लगी रहती हूँ, और मैं जब सोचती हूँ कि वैष्णवी जब छोटी थी इसको मैंने कभी, सच में मुझे याद नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले मैंने उसे पढ़ाया हो, कभी होमवर्क उसका देखा हो इसने किया या नहीं किया, पर हमेशा सब कुछ कंप्लीट होता था और इंटेलिजेंट भी है, मार्क्स भी बड़े अच्छे आते हैं, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और कब कैसे हो गया हंसते खेलते ये सच में नहीं पता चला। जनरली में देखने में ये आता है कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है बच्चों में पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा होता है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी से प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स, या ये बोलिए कॉम्पिटिशन का जमाना है शायद इस वजह से भी। आपको लगा आपके साथ कभी इस तरह का कुछ हुआ है? देखिए प्रेशर, उसे प्रेशर नहीं कहना चाहिए, उसे कहना चाहिए हमारे पेरेंट्स की उम्मीद हमसे। तो हर पेरेंट की अपने बच्चों से कुछ ना कुछ, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे स्पोर्ट्स या जो भी, उम्मीद रहती है। अब बच्चे उसे प्रेशर की तरीके से लें या उम्मीद की तरीके से लें, वो बच्चों को डिसाइड करना चाहिए। और जो बच्चे कहते हैं कि हम, वो पीयर प्रेशर जो आजकल शब्द यूज किया जाता है, पीयर प्रेशर जो पेरेंट्स और कॉम्पिटिशन का जो आजकल वर्ड है, कॉम्पिटिशन तो आप पढ़ाई में लो, स्पोर्ट्स में लो, या किसी भी चीज़ में, इनफैक्ट कोई भी क्षेत्र में जाओ, कंपटीशन तो आपको मिलेगा ही, तभी तो आप किसी चीज़ से ऊपर होके फर्स्ट नंबर पे आओगे। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो फर्स्ट सेकंड रैंकिंग ही नहीं हो सकती। तो उसे हमें खुद को नॉट एज अ प्रेशर बट एज अ उम्मीद कि हमें, हमारे पेरेंट्स हमसे ये चाहते हैं और हमें वो यहाँ देखना चाहते हैं, तो हमें उस हिसाब से उसे प्रेशर के तौर पर नहीं चाहिए। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, मुझे ऐसा लगा उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और इस लेवल तक करना चाहिए। आपकी डॉटर में इतना ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आया? वैसे इसने आंसर दे चुकी है वैष्णवी इस बात के लिए, पापा से। मैं अपनी तारीफ नहीं कर पाऊंगी इस चीज में, बट सच में शायद पापा से ही आया है। और हम सबको, मुझे भी खैर, जहाँ पे मैं भी अटकती हूँ अभी भी, हम सभी उन्हीं से गाइडेंस लेते हैं। मम्मा है आप, तो खाने पीने का, सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता होगा, तो इनका क्या, इनको क्या पसंद है खाने पीने में, बताइए? खाने में वैसे तो इसे सब कुछ अच्छा लगता है, पर इसे मेरे हाथ के दाल चावल जो होते हैं घर में, जो सिंपल से होते हैं, वो इसे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये कैंप भी गई थी तो मुझे फ़ोन करके कहती थी कि मम्मा आपके दाल चावल सच में याद आ रहे हैं, चाहे वो सिंपल होते हैं जो घर में हमारे बनते हैं, बट इससे बहुत अच्छे लगते हैं। चीज़ें तो बहुत होती हैं खाने के लिए, दाल बाटी चूरमा होता है, पनीर हम बनाते हैं सब्जी, बट जो फेवरेट इसको कहा जाएगा मेरी सब्जियों में, वो शायद इसको दाल चावल, सिंपल से घर आते ही बस इसको दाल चावल बना के रखना, तो वो इसको बड़ा अच्छा लगता है। जनरली होता है कि बच्चे खाने पीने को लेकर बहुत चूजी होते हैं, नानुकुर ज्यादा करते हैं, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, इस तरह का कभी इनके साथ भी होता है? नहीं, मेरे को वैष्णवी सच में शायद भगवान ने मुझे एक, मैं इसको हमेशा कहती हूँ, एक ये तो खुद हंसती भी है, मुझे भगवान ने ऐसा बच्चा दिया है, मुझे कभी भी इसके लिए कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, ना मुझे कभी कोई टेंशन लेनी पड़ी इसके लिए लाइफ में, ना खाने से लेके ना पढ़ाई के लिए, क्या पहनना है क्या नहीं, वो सब कुछ है ना बहुत आसानी से इसको जो कहो वो मान लेती है, वो करने के लिए कि आप ये पहनोगे, ठीक है। आजकल के बच्चे कितना आप देखिए वो करते हैं, पर कभी इसने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, इसको जो है ये उस सीमित चीजों में, दायरे में रह के ये बहुत आसानी से रह रही है। हम लोग सच में कभी इसको, हमने कभी इसको फोर्स भी नहीं किया, और ये अपने आप करती है चीज के लिए। काफी सारा ये मल्टी टैलेंटेड है, इनके इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है? शूटिंग तो खैर ये कर ही रही है, एनसीसी में है, बाकी इंटरेस्ट हॉबीज वगैरह क्या इनकी? स्पोर्ट्स में ये जैसे स्विमिंग कर रही है, माउंटेनियरिंग करती है, माउंटेनियरिंग में बहुत अच्छी है, सर भी जैसे करते हैं जैसे पहाड़ों पर जिस हिसाब से चलते हैं, इसको सर ने जो नाम दे रखा है छिपकली का नाम दे रखा है, छिपकली की तरह चिपक के बहुत जल्दी चढ़ जाती है ये, और बच्चे जहाँ पीछे रहते हैं ये ऊपर टॉप पे होती है। जब मैं इसको देखती थी जब ये चढ़ते थे, बड़े से बड़े जो पहाड़ होते हैं लेके जाते हैं वो कई अलग अलग जगहों पे, तो बहुत फटाफट से चढ़ जाती है ये। हम ये कहते हैं कि कैसे अपना बैलेंस बनाती है, सब कुछ करती है, वो बहुत ईजीली ये करती है काम। तो हमें ऐसा लगता है हर बच्चा ऐसा करता होगा अगर हमारा कर रहा है,
तो मुझे तो यही चीज लगती है और बहुत प्राउड आप जो कह रहे हो इस चीज के लिए, मैं हमेशा फील करती हूँ इसमें। वैष्णवी जैसे मामा बोल रही फटाफट से आप चढ़ जाते हैं, छिपकली आपका नाम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं माउंट एवरेस्ट पे जाने की तो कोई अभी प्लानिंग नहीं चल रही है दिमाग में की कुछ दिनों बाद वैष्णवी उसकी तैयारी कर रही है? फ्यूचर किसने देखा है, यू नेवर नो। मेरा कोई ऐसा अभी तक तो कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन हाँ अगर चाहा तो ये भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा। तो मैं आपसे आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, जिस तरह से आपने इन लोगों को ग्रो किया है, बच्चों को अपने अभी भी जैसा अभी अपनी बात भी चल रही थी, आपने बोला कि अभी भी पेरेंट्स जो है घर में बेटी पैदा होती है तो खुश नहीं होते, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगी, हमने हमेशा जब वैष्णवी होने वाली थी उससे पहले से हमें हमेशा चाहती है हम दोनों को, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि हमारे घर में बेटी पैदा हो। हमने कभी ये नहीं चाहा कि हमें पहला, क्योंकि फर्स्ट बेटी थी, फर्स्ट बेबी था, तो कभी हमने ये नहीं चाहा कि हमें बेटा चाहिए, जबकि इकलौते मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं घर में, तो हमें हमेशा चाहिए था कि एक बेटी होनी चाहिए हमारे घर में। बेटी होने से सिर्फ यही नहीं कि बच्चा इस तरह से अगर आगे बढ़ता है तो हमें खुशी होती है, पर एक बेटी होने से जो घर में खुशियां फैलती हैं वो शायद बेटे होने में अभी भी नहीं होती है, क्योंकि बेटे कहाँ हैं क्या है पता ही नहीं चलता घर में, बेटियों से अभी भी चहक रहती है घर में, जो आप सुन सकते हैं, हम कहते हैं इसको एक चिड़िया की तरह आती है और चहका जाती है पूरे घर को। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी बेटी होने से हमें खुश होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए, बेटियां हमारे सच में शान है हमारे। वैष्णवी चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे अपने मम्मी पापा के लिए? बिल्कुल, जैसे कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है मम्मी पापा के लिए, वो हमारे होल सोल मेट होते हैं, कहीं भी हम अटकते हैं तो वो सबसे पहले वो लोग होते हैं कि अगर हम कहीं अटक गए कि हमें बताते हैं, वो पहले हमें उठा के आगे बढ़ाते हैं, पर हमें बाद में इस चीज का रीजन बताते हैं कि हम क्यों अटके, जिससे हम वो अटक वापस नहीं अटक पाए बाद में। तो हाँ, मुझे इस चीज़ की हमेशा से मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी गॉड से कि मेरे पेरेंट्स, इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा ही नहीं, मेरी दादी जी भी हमेशा कि अगर कोई भी गलती होती, क्योंकि गलती होना बहुत ज़्यादा आम बात है, गलती होती इंसान है, तो उसे कैसे अगली बार ना दोहराई जाए और कैसे सही से उसे आगे बढ़े, वो इन सब की सीख मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी जी ने दी मुझे हमेशा। शुक्रिया वैष्णवी, बहुत बहुत अच्छा आप बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें आप करते हैं, और आप आए पति का स्टूडियो, इतना टाइम आपने हमें दिया, और हम चाहेंगे इसी तरह से आप अपनी जिंदगी में राइज करते आगे बढ़े। थैंक यू। तो शी लीड फैमिली शो में ये थी हमारे साथ वैष्णवी और उनकी मदर नम्रता जी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।